अभाललोचना शंभुर्भगवान् बादरायणः जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्यो ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नताऊष्मि। व्यासाय नमो नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीमद् भागवत कथा की इस पंचम दिवस की पूजन की श्रीमद् भागवत जी की मंत्र आरती में सभी लोग अपने ही स्थान से आरती में सम्मिलित होंगे। हरि ही ओम ज्वाला मालिन्यै नमो नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधादि विश्वं पूज्यो ओम चंद्रमा सुंदरा सुवर्णो धावते दिवीरईं पिसंगां बहुलां पुष्पगुं हरिरेकनिक्रदतो कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं प्रणमामि नमस्करोमि। पुनः सभी लोग आदर पूर्वक अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। परमाराध्य ठाकुर श्री युगल बिहारी सरकार की महती पावन दिव्याति दिव्य अनुकंपा से पावन कृपा से भारत भूमि अखंड भूमि सत्य सनातन धर्म की इस पावन भूमि जहां पर जिस भूमि में अनेक धर्मों का सम्मान सनातन धर्म करता है ऐसी भूमि में बैठ करके हम सभी लोग देहली प्रदेशांतर्गत रोहिणी क्षेत्रांतर्गत प्रशांत विहार के अग्रवाल भवन में बैठ करके हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। जब मानव जीवन के जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। कल के कथा में हम सभी लोगों ने दिव्य दिव्य कथाओं को श्रवण किया। पंचम स्कंद के माध्यम से भूगोल खगोल का वर्णन ज्योतिष चक्र का वर्णन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भक्त अजामिल की कथा को हम लोगों ने श्रवण किया। प्रहलाद जी की कैसे रक्षा हुई संकेत मात्र में हम सभी लोगों ने भगवान श्री राम के दिव्य सूत्रों को भी प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महामहोत्सव के बड़े उत्साह के साथ हम सभी लोगों ने कल मनाया। आइए हम सभी लोग आयोजन समिति की ओर से समस्त भक्तों की ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करें वंदन करें भागवत जी को नमन करें। आइए हम लोग महाराज जी से निवेदन करें कि अपने अमृतमय वाणी के द्वारा ज्ञानमय वाणी के द्वारा भगवतमय वाणी के द्वारा हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का पुनः अवगाहन करा करके रसपान करा करके श्रवण करा करके हम सभी के जीवन को पुण्य का भागी बनाए पूज महाराज श्री जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्री राधा, 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 श्री राधा। नमोस्तु रामाय यशलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानुलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्य ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेत
तुम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। कान्तः सिता मृषते निन्दत शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीराधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोविन्द राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय सांचे दरबार की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय 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 श्री राधे श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर तड़ित पीतांबरधारी अकारण करुणा वरणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर के पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक रसिक वृंद शक्ति स्वरूपिणी देवियों श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति प्रशांत विहारोहिणी दिल्ली के सभी भगवत चरणानुरागी रसिक वृंद सेवक वृंद विद्वत वृंद विप्र वृंद प्रिय संगीतज्ञ कलाकार वृंद
कथा प्रसंग को विराम दिया गया था। हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में कैसे प्रकट हुए, कहीं पर आत्मा बन करके आते हैं तो कहीं आत्मज बन करके आते हैं। परमात्मा किसी की आत्मा जो है नहीं, सबकी आत्मा ही है, लेकिन संकल्प दृढ़ हो तो आत्मज भी बन जाते हैं। नंद और यशोदा का जो संकल्प था बड़ा दृढ़ था। वसुदेव और देवकी के अंदर ऐसा संकल्प नहीं था, क्योंकि चतुर्भुज रूप का दर्शन किए थे, वो भ्रमित हो जाते थे। लेकिन नंद और यशोदा ये हमेशा बाल रूप में ही माने। देखो, भगवान का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। आपका जैसा संकल्प होगा परमात्मा का स्वरूप वैसे ही होगा, आपका जैसा भाव है, आपका जिसके प्रति जैसा संकल्प दृढ़ हो जाता है उसका स्वरूप वैसा ही हो जाता है। कल हम और आप बड़े हर्षोल्लास के साथ नंदोत्सव का आनंद मनाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और 8 बजे रात तक चलता रहा कार्यक्रम। तो चैनल में अपनी उनकी मर्यादा जहां तक चला ठीक है, बाकी अपन लोगों का चैनल तो अलग है ना, मस्ती का चैनल तो अलग है। ऐसी सुख वाली जीवन में प्रभु कृपा से कभी कभी तो आती है, कितनी परीक्षा के बाद ऐसा अवसर आता है। लेकिन नंदोत्सव का आनंद कब आता है, जब अंदर से हर्षोल्लास हो, उत्साह हो। और यहां आप लोगों के अंदर का जो उत्साह हर्षोल्लास है, वही हमारे आपके जीवन में मस्ती का राज है। तो आइए, जहां कल प्रसंग को विराम दिए थे वहीं से उस प्रसंग के क्रम को आगे बढ़ाएं। भगवान मथुरा में जब प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, वसुदेव और देवकी भगवान की स्तुति किए। भाई थोड़ा हमारे चैनल वाले इस बात का ध्यान दें, हमारे पास रोज मैसेज आ रहे हैं आवाज की दिक्कतें बहुत जा रही लोगों को बाहर। यहां उंगली दिखा देते हैं वहां लोगों को मैसेज, आवाज कम कट रही बीच बीच में, इसका आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और जो बाहर से लोग मैसेज कर रहे हैं वो अनाड़ी नहीं, सब टीवी खोल के बैठे हुए भक्त लोग, और अच्छी आवाज अच्छा प्रसारण होगा तभी आपका कार्य आगे बढ़ेगा और अच्छा होगा। ये जवाबदारी आप लोगों की भी है, थोड़ा इसका ध्यान रखें। रोज मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वसुदेव देव की जब प्रार्थना की भगवान इस स्वरूप में हुए। प्रभु ने कहा आपको भय लगता है तो ले चलो मुझे गोकुल छोड़ दो। प्रभु हमारे बंधन खोलो, मेरे हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां पड़ी है, मैं कैसे जाऊं। भगवान ने कहा मैं बंधन तो नहीं खोलूंगा। जब तक आग्रह करते रहे बंधन नहीं खुला, और जब बंधे हाथों से उठाने का प्रयास किए तो बंधन अपने आप खुल गए। हम और आप जब तक ये सोचेंगे कि हमारा अमुक कार्य हो फिर मैं भगवान का चिंतन करूं भजन करूं, तो वो कभी संभव नहीं है। ध्यान रखना, जिस अवस्था व्यवस्था में जैसे हैं वैसे चल पड़े।
तो प्रभु अवश्य कार्य को पूर्ण करते हैं, प्रभु की कृपा होती है और वो कार्य पूर्ण होता है। सारे बंधन खुल गए, लेके चल पड़े गोकुल की ओर, द्वार भी अपने आप खुलते गए जिसमें हमारे प्रभु को लेकर के चल रहे थे। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, मंद मंद वृष्टि होने लगी, मेघ गर्जना करने लगे, बिजली कड़कने लगी, शेष भगवान के ऊपर छाया कर लिए। ये बादल गर्जना क्यों कर रहे हैं? बादलों की गर्जना कब होती है? जब आपस में ये टकराते हैं तब। हमारे प्रभु सागर में निवास करते हैं, क्षीर सागर में, और ये बदल जल लेकर के तो वहीं से आते हैं, तो बार बार सागर से आग्रह करते हैं प्रभु कृपा करो ना। सागर से कहते कि एक बार अपने प्रीतम का दर्शन करवा दो, तो सागर ने कहा चिंता मत करो, द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे तो सब लोग आराम से दर्शन कर लेना। अब जब बादल चले दर्शन करने तो आपस में होड़ लगी, पहले मैं पहले, जैसे कई बार होता ना भीड़ में, आगे मैं जाऊंगा और आगे जो शरीर से कमजोर होगा थोड़ा पीछे रह जाएगा, थोड़ा भारी भरकम होगा वो, क्यों वो गिरेगा भी किसी के ऊपर तो एक दो को तो बराबर कर ही देगा। अब जो मेघ भारी भरकम थे आगे चले, तो मेघ टकराते हैं बिजली कड़कती, भगवान को लेके यमुना में प्रवेश किए, यमुना का जल बढ़ने लगा। वसुदेव जी जब तक भगवान को हाथ में लिए थे जल बढ़ रहा था, और बुद्धि में बैठा लिए तो जल घुटनों के नीचे आ गया। जिस दिन प्रभु हमारी आपकी बुद्धि में प्रवेश कर जाएंगे तो कोई समस्या, सारी समस्या बुद्धि की है। बोले महाराज हमारी बुद्धि में अमुक बात बैठती ही नहीं है, हम कितने प्रयास करें याद करने का लेकिन क्यों। अब बुद्धि की सीट तो एक है, अब एक सीट में यदि परमात्मा को बैठाना है, उसकी कथा को बैठाना है, तो पहले जिसको बैठा रखे हो खाली करो, ठीक है कि नहीं। अब एक की सीट में, और व्यवस्था भी ऐसी नहीं कि एक में दो एडजस्ट हो सके, अब उस सीट को खाली नहीं किए तो परमात्मा कहां से बैठे। इसीलिए कथा का आनंद लेना हो ना, कथा की मस्ती लेना हो, उस बुद्धि की सीट में बस बाबा अपना तो एक ही संकल्प है, अपनी एक ही प्रार्थना कन्हैया से। और आप लोगों से मैं यही कहता हूं कि बुद्धि की जो सीट है उस सीट पर किसको बैठाओ, कन्हैया को। हमारा तो यही धारण उद्देश्य बाबा, हमारी भागवत जी कहो, बांके बिहारी कहो, और मेरी राधे, क्यों राधा और कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं। मैं इन्हीं को बैठा रखा हूं बुद्धि की सीट में, जहां मर्जी ले चलो, जो मर्जी करो ठीक। यमुना का जल घुटनों के नीचे आ गया, लेकर के पहुंचे गोकुल में, योग माया को लेकर के आए। जब तक कृष्ण जी साथ में है कोई बंधन नहीं, और जहां योग माया को लिए बंधन आ। हमारी आपकी दृष्टि जब तक भगवान की कथा की ओर होती है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब कई बार मोबाइल से कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कान में कि हमारी दृष्टि कहीं और चली जाती है, तो हम बैठते कथा में हैं पर मोटे मोटे आंसू किसी और बात के लिए गिराने लगते हैं। ये बड़ी बीमारी, जबकि उससे होना कुछ नहीं है, करना कृष्ण को ही है। लेकिन कई बार हम लोग दिग्भ्रमित हो जाया करते हैं और वो समय हमारा कथा से पृथक हो जाता है।
इस समय को कथा से आप लोग जोड़ो। हमने आपसे कहा ना, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे भाई लोग, हमारे लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हो, उंगली पांचों बराबर है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि ये सब मिलकर रहती तभी अच्छा लगता है। अलग अलग करने से ना कोई छोटा रह जाएगा ना कोई बड़ा रह जाएगा। हमारा केवल एक सूत्र है, एक ही सिद्धांत है कि जितने भाई लोग हमारे जुड़े हैं, ये कथा में आए अच्छी बात है, पर कथा में आके बैठे, कथा में आना तो बहुत अच्छी बात है, पर कथा में आकर के बैठ जाना और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब कथा में बैठेंगे तो बाकी की व्यथा भाग जाएगी, और कथा में आकर के कथा में ना बैठेंगे तो व्यथा तो अपने आप पहले से बैठी है, वो समस्या। माया भगवती आते ही फिर बंधन, वही समस्या। योग माया रोने का नाटक की, कंस को पता चला तलवार लेके दौड़ा मारने के लिए। देव की प्रार्थना करते हैं, भैया आकाशवाणी हुई थी कि लाला होगा काल आपका, ये तो लाला नहीं लाली है। कंस कहता है क्या भरोसा, ये कुछ भी बन जाए इसका क्या भरोसा, हाथ से छीना मारने के लिए। योग माया छूटी, अष्टभुजी सिंहवाहिनी बन के प्रकट हो गई विंध्यगिरी पर्वत पर, विंध्याचार्य। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला यही कहीं प्रकट हो चुका। वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त किया, शोक व्यक्त करता है। वसुदेव जी ने कहा देखो भाई, गते शोको न कर्तव्य जो होना था हो गया। हम लोग बड़े सुबुद्ध हैं, ऐसा नहीं है, श्रोता हमारे ज्यादा सुबुद्ध हैं। हर कोई कहता है कि हम दिमाग में भूत को बैठाना नहीं चाहते, कि बैठाना है किसी को भूत नहीं। एक तरफ कहते हैं भूत को बैठाना नहीं, दूसरी तरफ भूत को बैठा के रखें। बीते हुए काल को क्या कहते हैं, भूतकाल। तो जो कल की बात बीत गई वो किस में चली गई, भूतकाल में। अब वो दिमाग में बात है कि नहीं, अब वो दिमाग में लेके बैठे। अरे बाबा, कल का समय था हमारा व्रत का, तो व्रत कर लिए, कल एकादशी थी, पर आज द्वादशी है, तो आज तो चकाचक प्रसाद पाओ। अब कल का व्रत दिमाग में लेके क्यों बैठे हो। इसीलिए शास्त्र कहा करते हैं जागो, उठो, नित्य जगाते हैं आपको। जागने का मतलब कि जो बीत गया सो बीत गया। बोले महाराज, आप कहते तो ठीक है यो, लेकिन जल्दी हम छोड़ने वाले भी, उसमें गलती आपकी नहीं है। भूत जब पकड़ लेता है किसी को तो फिर वो आपके कहने पर छोड़ता भी नहीं है, वो जल्दी छूटता भी नहीं। वसुदेव देवकी, तो वसुदेव क्या है, वसुदेव है सत्य, और देवकी का मतलब हमारी आपकी बुद्धि, विशुद्ध शब्दात्मिका बुद्धि यशिषा देवकी। जिस बुद्धि में किसी प्रकार से विकृति न हो, विकार न हो, वही है देवकी। जहां सत्य का बुद्धि का आपस में संबंध होता है, वही भगवान का साक्षात्कार होता है। बुद्धि का संबंध सत्य के साथ करो, प्रभु का दर्शन मिल जाएगा। अब आइए हम लोग चले गोकुल। यहां जब ब्रजवासियों को पता चला नंद क्या लाला हुआ है, तो मारे खुशी के उछल पड़े। हमारे सुखदेव जी क्या कहते हैं, आइए उनके शब्दों में थोड़ा आनंद लें। श्री सुख उवाच, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामाश विधिवत् पितृदेवार्चनं यथा।
धेनु नाम्नुते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृते तिलाद्रेन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बराव्रतान्। बाबा को जब पता चला कि मेरे यहाँ लाला हुआ है तो बाबा हमारे खुशी के उछल पड़े। अच्छा, वृद्धावस्था में लोग ज्यादा श्रृंगार नहीं करते, लेकिन कोई शुभ घड़ी कोई अच्छा अवसर आए तो उसमें तो श्रृंगार और होना भी चाहिए, अच्छी बात। जहां प्रसन्नता हो, जहां खुशी हो, वहां तो श्रृंगार होना ही चाहिए। श्रृंगार का अपना एक अलग महत्व होता है। बाबा श्रृंगार किए, ब्रज चौरासी कोष के ब्रजवासियों को पता चला, सब के सब गाड़ी छकड़ों में दूध दही मक्खन मिश्री की मटकी लेकर के जा रहे हैं, कहां बाबा की है। बाबा बुलवाए वेदज्ञ ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देवता लोग आए, खूब मंत्रोच्चारण करते हैं जोर लगा के। अच्छा, लिफाफा मोटा हो तो मंत्र की आवाज भी बड़ी ऊंची हो जाती है, मैं कई बार देखा हूं। अब मैं तो कर्मकांड कराता नहीं बाबा, पहले मैं भी कराता था, ऐसा नहीं है, पर वो जब भाई वजन दे करके ताकत तो लगानी पड़ती ना। भाई जहां ज्यादा वजन होगा वहां ताकत ज्यादा लग जाएगी। ब्राह्मण देवता लोग समझ गए कि नंद बाबा के यहां तो कोई कमी है, सब चकाचक है, उच्च स्वर से मंत्रोच्चारण करने लगे। बाबा को लिखा है महामना, बाबा उदार है। उदार का मतलब क्या है? जिसके पास सामर्थ्य तो हजार की है, लेकिन खर्च करने का दिल उसका 10,000 का हो, उसको उदार कहा जाता है। अब किसी के पास 1 करोड़ मुद्रा है और 100 रुपया लुटाई दिया, ये कौन सी उदारता है? उदारता वो है कि अपने से अच्छा, मेरे ठाकुर जी के लिए ऐसा श्रृंगार हो, मेरे ठाकुर जी की ऐसी मुकुट हो, मेरे ठाकुर जी की ऐसी पोशाक हो, मेरे प्रभु के लिए ऐसा श्रृंगार हो, यही उदारता का लक्षण। और क्या है? वेद की ब्राह्मणों को बुलवाए, ब्राह्मण लोग शांति पाठ, बाबा ने कहा जिसको जो लेना लो लो, ब्राह्मणों ने कहा बधाई हो, बाबा ने कहा बधाई हो, जिसको जो लेना लो। पंडित जी लोग थोड़ा तंदुरुस्त थे, भागे भागे गए, चांदी का भंडार खुला हुआ था, लंबा पटका डाले थे, जितनी चांदी उठा सकते थे उठाए। जितनी चांदी उठा सकते थे उठाए। तब तक कुछ दूर पहुंचे, किसी ने कहा अरे पंडित जी वहां बाबा सोने का भंडार खोल रखा, आप चांदी लेके जा रहे हैं? पंडित जी ने सोचा ज्यादा कीमती तो, अब इतने वजन का सोना होता तो कितना ना होता, वहीं चांदी फेंके भाग दिए, सोना उठाए लेकर के चले। तब तक कोई मिल गया होगा, अब पता नहीं किस बिहार का था, कहीं का था, मिल गया। जब मिले, अरे पंडित जी क्या सोना लेके जा रहे हो, वहां हीरा मोती बाबा लुटा रहे हो, ज्यादा ज्यादा कीमती तो वही होते, अब सोना फेंके हीरा मोती लेंगे। ब्रज की गलियों में हीरा जवाहरात ऐसे पड़ा जैसे कंकड़ पत्थर हो, लेकिन ब्रजवासी जब चल रहे हैं बधाई लेकर के तो क्या कहते हुए जा रहे हैं? बाबा के पास, मैया के पास, आइए थोड़ा आज बधाई की मस्ती लें, आगे कन्हैया की इच्छा। बाबा बधाई, बाबा बधाई हो, बधाई हो, 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 हाँ मैया बधाई हो, बधाई हो, मैया बधाई हो, बधाई हो।
बाबा बधाई हो बधाई हो, बाबा बधाई हो बधाई हो। कैसी ये शुभ घड़ी आई है, कैसी ये शुभ घड़ी आई है, हाँ कैसी ये शुभ घड़ी आई है, कैसी ये शुभ घड़ी आई है। बाबा बधाई है बधाई है, बाबा बधाई है बधाई, हाँ कैसी ये शुभ घड़ी आई है, कैसी ये शुभ घड़ी आई है, हाँ कैसी ये शुभ घड़ी आई है, कैसी ये शुभ घड़ी आई है। बाबा बधाई है बधाई है, बाबा बधाई है बधाई। क्या बात, थक गए लगता है, बाल बाल कर रही है कि थक गए, ऐसे बैठे हैं हाथ सिकुड़ के। चलो कोई बात नहीं, शायद अभी सुस्ती हो, गोपी पक्ष तो थोड़ा थोड़ा जाग रहा है धीरे धीरे। बाबा बधाई बधाई हो, बाबा बधाई हो बधाई है, बाबा बधाई हो बधाई हो, बाबा बधाई है बधाई है। कैसी ये शुभ घड़ी आई है, कैसी ये शुभ घड़ी आई है, कैसी ये शुभ घड़ी आई है, कैसी ये शुभ घड़ी आई है। बाबा बधाई है बधाई है, बाबा बधाई है बधाई है। यही तो देखना चाहते कि ध्यान अपने अपने में है कि भजन में है कहां। बाबा बधाई है बधाई। ब्रज 84 कोष के ब्रजवासी बधाई लेकर के आते हैं, बधाई लेते भी और बधाई देते भी हैं, दोनों काम करते हैं। लेकिन एक ही विशेषता है ब्रजवासियों की, बधाई वो तब तक अपने पास रखे हैं जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। लाला का दर्शन होने के बाद बधाई अपने पास नहीं रखे हैं। आज भी हमारे ब्रज के जो रसिक संत हैं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूं कौन निहार, यद्यपि मिलय कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार।
और ऐसे संत ब्रज में आज भी है, उनकी सन्निधि में उनका सामीप्य चाहिए, दर्शन चाहिए। तो कभी जाना उस जगह पर जहां सनकादि लोग तपस्या किए थे, सनकादि कुंड है, जहां सुखदेव तपस्या किए सुख कुंड है, व्यास कुंड है, आदि बद्री हैं। बद्रीनाथ आप हिमालय नहीं जा सकते थे, यहां भी बद्रीनाथ बैठे हैं। आगे हम आपको बताएंगे विस्तार से जितना समय होगा। सनातन धर्म के सारे तीर्थ ब्रजमंडल में हैं, ब्रज के बाहर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और ऐसे ऐसे संत हैं जो ब्रज की सीमा छोड़ते ही नहीं, ब्रज के बाहर ही नहीं जाते। क्यों? जब एक बार मस्ती आ गई कृष्ण के नाम की, राधे की मस्ती आ गई, तो फिर कोई बस्ती याद नहीं। फिर तो चलते फिरते उठते बैठते मुख में बस वही कन्हैया और मेरी राधे, फिर वही एक मस्ती है। और उसमें जब मस्त हो जाओगे तो फिर बाकी दुनिया में कुछ है भी नहीं, वही तो एक आनंद है, वही एक मस्ती का राज है। ब्रज चौरासी को उसके ब्रजवासी बधाई लेते हैं, बधाई देते हैं। मैया कन्हैया को पालने पर लटा दी, 6 दिन तक उत्सव चला है, न किसी को भूख न किसी को प्यास। अब कब तक गोद में लेके बैठे? तो मैया कन्हैया को जब पालने पर लटाती हैं तो गोपियां झूला झुलाती हैं और कैसा भाव व्यक्त करती हैं, आइए थोड़ा उसका भी आनंद लें, फिर आगे की लीला में चलें। झूले पाले नानक ओल छोटा दूज हो, कन्हैया झूले पाले नानक ओल छोटा दूज हो, कन्हैया झूले पाले नानक ओल छोटा दूज हो, कन्हैया झूले पाले नानक ओल छोटा दूज हो, ओल छोटा दूज हो, नक धीरे छोटा दूज हो, नक ले झूठा दीजो निकीरे झूठा दीजो, मेरो लाला मेरो मोहना अकनैया झूले पालना कोल छोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना कोले छोटा दीजो। जन्म लियो है मथुरा में, यह 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 जन्म लियो है गोकुल में, गोकुल में गोकुल में झूले पाल नानक ओल छोटा दीजो, गोकुल में झूले पालना ओले छोटा दीजो, ओले छोटा दीजो धीरे छोटा दीजो, ओले छोटा दीजो धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला मेरो मोहना कन्हैया झूले पालना ओल छोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना ओले छोटा दीजो।
काठ को बनरी पालना बनी काठ को बनरी पालना कवन काठ को बनरी पालना बनी काठ को बनरी पालना कवन काठ को बनरी पालना बनी काठ को बनरी पालना काहे नके लाज ओल जोता दी जा काहन को लाग भोंगिना कहोले जोता दी जा मैं कहोले जोता दी जा मैं कधीरे जोता दी जा मैं कहोले जोता दी जो निकी धीरे जोता दी जो मेरो लाला मेरो मोहना हकन या झूले पालना ने ओल जोता दी जा कन्हैया झोले पालना निक होले झोटा दी जो काठ को बनरी पालना काठ को बनरी पालना चंदन काठ को बनरी पालना काठ को बनरी पालना चंदन काठ को बनरी पालना काठ को बनरी पालना रेशम के लाजो कोंगना ओल जोटा दी जो रेशम को लाजो कोंगना कहोले जोटा दी जो मैं कहोले जोटा दी जो कभीरे जोटा दी जो मैं कहोले जोटा दी जो कभीरे जोटा दी जो मेरो लाला मेरो मोहना कन्हैया झूले पालना ओल जोटा दी जो कन्हैया झूले पालना कहोले जोटा दी जो सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखिया कन्हैया की तो बहुत है पर चलो अच्छा है बार बार थकान तो लगती है नहीं कहेंगे पर बैठे बैठे थोड़ा सा चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चिर जीवो तेरो लाल नानक ओल जोटा दी जो चिर जीवो तेरो लाल नानक ओल जोटा दी जो ओल जोटा दी जो धीरे जोटा दी जो ओल जोटा दी जो धीरे जोटा दी जो मेरो लाला मेरो मोहना कन्हैया झूले पालना ओल जोटा दी जो कन्हैया झूले पालना ओल जोटा दी जो मेरो लाला झूले पालना ओल जोटा दी जो लाला झूले पालना ओल जोटा दी जो
जब लाला जी ने साधना ने तोले छोटा बीजो। इस उत्सव में सबके सब आनंदित सम्मिलित, लेकिन रोहिणी जी अनमनस्क थे। बसदेव जी पर संकट होने के कारण रोहिणी अनमनस्क और अशांत थी। बाबा नंद ने कहा, हे देवी, ये बालक तो आपका अपना ही है। तब उत्सव में सम्मिलित हो, हमारे प्रभु के आने के कारण लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़कर ब्रज को ही अपने क्रीड़ा स्थली बना लेंगे। खेल का स्थान जिसको बोलते हैं, क्रीड़ा स्थली खेल का स्थान ब्रज को बना ले। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजा सर्व समृद्धिमान हरेर निवास आत्म गुणई रमा क्रीडम भूंद्रप। क्यों? लक्ष्मी जी आई हैं प्रभु की लीला का रसपान करने के लिए। जो स्वरूप लक्ष्मी जी को यहां मिलने वाला है प्रभु का, वो बैकुंठ में नहीं है। सारे देवी देवता ब्रज में क्यों आए थे? प्रभु का दर्शन करने, प्रभु की सरलता और सहजता का। वहां तो चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा पद्म है, लेकिन जो ब्रज का ठाकुर है, ये कभी चूहे के पीछे दौड़ेगा तो कभी बिल्ली के पीछे दौड़ेगा तो कभी पिल्ले के पीछे दौड़ेगा। एक परमानंद दास भगवान के परम भक्त हुए, परमानंद जी, तो भगवान की एक छवि दे के मुस्कुरा रहे थे। परमानंद दास को ठाकुर, देखो पकड़ो पिल्ला। आज भी ब्रज में हमारे आपको हमने कहा ना, ऐसे ऐसे संत बहुत पड़े हैं, लेकिन वो अदृश्य रहते हैं, अपने मस्ती मस्त रहते हैं, उनको ज्यादा दिन दुनिया से। 6 दिन तक उत्सव चला यहां। बाबा को कंस का भय सताया, सोचते हैं राज कर रह गया उसको भी दे आए, बाकी तो सब हो गया। यहां कंस को जब पता चला योग माया के द्वारा कि मुझे मारने वाला यही कहीं प्रकट हो चुका है, तो मंत्रणा करके कहता है कि विष्णु के जो शरीर है, अंग है, उनको जाकर के नष्ट करना शुरू करो। भगवान के अंग कौन है? गाय, ऋषि, ब्राह्मण, वेद, यज्ञ, कथा, जप तप, ये सब भगवान के अंग ही तो है। इनको नष्ट करो तो भगवान अपने आप कमजोर हो जाएंगे, विष्णु अपने आप कमजोर हो जाएंगे। और जिनके मन में इनके प्रति द्वेष भाव हो तो समझ जाना इसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी। कंस भेजता है पूतना को, जाओ 4-6 महीने तक जितने बच्चे हैं सबको मार देना। इधर चलती पूतना और यहां बाबा गोकुल से मथुरा की ओर। साथियों से कहते हैं, मित्रों, आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करना। सुखदेव जी के शब्दों में क्या है, गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरांगता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं करो द्वहा। ऐ साथियों, आने वाले अतिथियों का स्वागत सत्कार करना। मैं कंस को कर दे करके स्थिर विराम, लेकिन बाबा लाला को छोड़ के जा नहीं सकते थे, मजबूरी है। देखो प्रेम में अपने प्रियतम को कौन छोड़ना चाहता है। बाबा जब चलने लगे तो सोचते हैं चलो लाला के रूप रस का एक बार और रसपान कर लें। कृष्ण के चरण चूमते हैं, कृष्ण के सिर को चूमते हैं, बार बार गले से लगाए। बाबा के नेत्र सजल हो गए। प्रेम का यही तो लक्षण है महाराज, प्रेम में दो ही होता है, ध्यान रखना, प्यास
और तृप्ति, प्यास और तृप्ति। देखो प्रियतम को पाने के बाद अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बार बार उसके रूप रस का रसपान करते रहने पर भी अतृप्ति बनी रहती है। एक पल के लिए भी कोई ओझल नहीं होना चाहता, एक एक पल उसके लिए एक एक कल्प जैसे होता है, युग जैसे बीतता है। प्रेम की अवस्था में भगवान राधा कृष्ण की लीला क्या है, भागवत क्या है, ये एक बात ध्यान रखना। मूल में भागवत प्रेम का ही प्रतीक है। जब तक आपका प्रवेश प्रेम की परिधि में नहीं होगा तो बाकी तो भागवत किस्सा कहानी है, समझ में नहीं आएगा। और इसका गायन कौन किए हैं, सुखदेव जी। सुखदेव जी गायन क्यों किए, राधा और कृष्ण के वास्तविक प्रेम का, उनके तत्व का यदि किसी को बोध था तो वो था सुखदेव को। और ये प्रेम की तो गाथा है, प्रेम की ही कथा है। प्रेम में मानना भी होता है, प्रेम में रूठना भी होता है। जब प्रियतम रूठता है, प्रेमी उसको मनाता है, उसका एक अलग आनंद होता है। क्या दिग्दर्शन कृष्ण राधा का इसमें है। सुखदेव जी तो भाव समाधि में हो जाते थे, हम लोग तो प्रेम की परिधि में प्रवेश आप लोगों का हो गया होगा, अपनी बात करता हूं। कृष्ण का प्रेम तो बात की बात है, पहले ब्रज का ही तो प्रेम पालो। देखो जब आपका प्रेम ब्रज से होगा तब आपको मिलेगा ब्रज का वास, और जब ब्रजवास मिलेगा ब्रज की महिमा, ब्रज के प्रति आपकी आस्था, तो भगवान के सखा जो ब्रज में आज भी हैं, आपको याद है ना जब गोसाई जी के समक्ष चर्चा हुई तो गोस्वामी जी रो पड़े, बिहारी जी के सेवक भावुक हो गए। उन्होंने कहा इस प्रकार तो मेरे दादाजी बताया करते थे, ये तो कभी कभी किसी किसी को अनुभूति होती है। उन्होंने कहा बाबा ये सुना सुनाया नहीं, इतना प्रत्यक्ष अनुभव है। यदि इस बात पर किसी को हो सकता अपनी वीरता बताने के लिए कह रहे हैं, साधक लोग इसलिए सब बात बताते नहीं है, बताने भी नहीं चाहिए, हर लोगों का नजरिया अपना अपना होता है।